अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्लेवर्स एंड मील्स। होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही कोई ईजी सी और वायरल रेसिपी, जिसमें आप लोगों को सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले तो आप ले लेंगे एक ब्रेड, और फिर उस पर आप लोग इस तरीके से बनाना को कट करके रख देंगे, और फिर इस पर आप लोग यूज़ करेंगे फॉर्क को, और फॉर्क को आप लोग इस तरीके से यूज़ करिएगा कि आप लोग बिल्कुल बनाना को मैश कर दें, और स्लाइस को प्लीज़ तोड़ मत दीजिएगा। सो अगर आप लोग चाहें तो ज़्यादा बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम ओनली यूजिंग वन बनाना। जब बनाना अच्छे से मैश हो जाए तो उसके ऊपर मैं रख दूंगी एक और स्लाइस, फिर उसके ऊपर फिर से मैं बनाना रख के इसी तरीके से मैश करूंगी जिस तरह हमने पहले किया है, और जब ये फिर मैश हो जाए तो इसके ऊपर हम रख देंगे एक और स्लाइस। तो टोटल ये बन जाएंगे तीन स्लाइस, और इनके बीच में हम रखेंगे दो बार बनाना। तो नाउ इट्स टाइम टू हीट द पैन, और फिर उसके बाद जब पैन में हम मक्खन डालेंगे, वो जो कि मैंने ले लिया है बटर 1 टेबल स्पून, और फिर उसके बाद मैं अब इसके अंदर हमारे जो हमने स्लाइस बनाए हैं वो रख दूंगी, और फिर उसके बाद हम इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा कर लेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स। ये आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरीके से हमने इसको पलट देना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब भाई मैंने ले लिया है 1 कप दूध, और 1 कप दूध को फौरन ऐसे नहीं कि लेना है और पलट देना है सारा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और दोनों साइड से, ठीक है। पहले हम ऊपर से डालेंगे, फिर उसके बाद हम पलट के इसको दोबारा से दूसरी साइड से डालेंगे। तो अब ये हो गया हमारा रेडी, और यू कैन हैव इट विद चॉकलेट सीरप और मैपल सीरप, व्हाटएवर यू वांट। सो होप यू लाइक माय रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।